सो फ्रेंड यहाँ पर हमने कॉल साइड एंट्री कर ली है और टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट कर दिया है। तो आप देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है फ्रेंड, जैसा भी होगा थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, लाइव ट्रेड वहाँ पर चल रहा है। तो फ्रेंड कैसा लगा ट्रेड आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ से हम लोगों ने कितना बेहतरीन टारगेट आज का था और हम लोग यहाँ पर छोटा सा ही पॉइंट कैच किए, बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं कैच हो पाया है। यहाँ पर देखेंगे टारगेट पर हम एग्जिट हो चुके थे अपने, ठीक है। और यहाँ से मार्केट कितना गया, 223 पॉइंट मार्केट यहाँ पर मोमेंटम किया है, अभी और भी जाने की तैयारी बना रहा है और भी मार्केट यहाँ पर अपर साइड जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे मेरा जो ऑप्शन का यहाँ पर टारगेट था वो अलग था और इंडेक्स का टारगेट थोड़ा सा अलग हो गया था और लेकिन दोनों टारगेट ही हिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से एक ऊपर साइड से ट्रेंड लाइन आ रही थी इसलिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पूछ लिया है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर ब्रेक करेगा तो देन फिर से मोमेंटम कर सकता है और यहाँ पर ट्रैप कर सकता है लोगों को और यहीं मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर डाउन आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अब नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए, और कुछ कह भी नहीं सकते, मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है तो फिर निखाड़ता चला जाता है पूरा, ओके। तो अब यहाँ पर ट्रेड कोई नहीं करना, हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, प्रॉफिट भी अपना बुक कर चुके हैं। और टेलीग्राम पर अगर आप देखते हैं तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर अच्छे से बुक कराया, ट्रेल कराया, एस एल 13 पॉइंट का एसएल था हम लोगों का, 125 पॉइंट का टारगेट हम लोगों ने यहाँ पर कैश कर लिया था, ठीक है। इतना छोटा सा एसएल कोई नहीं देता और यहाँ पर देखेंगे ट्रेड के साथ मैंने एसएल टारगेट दोनों दिया है, वो भी फ्री में, कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया, ओके। तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में मिलती हैं लेकिन मैं फ्री में देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इतने बेहतरीन तरीके से मैंने शेयर की। अब यहाँ पर बात करते हैं आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक की क्या था, आज का ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। तो ट्रेड में हम लोगों ने पहला ही ट्रेड था और हमारा यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो प्लानिंग थी हम लोग की, हम लोग यहाँ पर एंट्री यहाँ पर करने वाले थे, ठीक है, इस जगह पर, बट यहाँ पर हमारा ट्रेड छूट चुका था, ठीक है। इस जगह पर हमारी एंट्री बन रही थी, ये वाला हमारा हमारे जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है उस पर बैठ रहा था, बट यहाँ से मार्केट देखेंगे बड़ा सा कैंडल क्रिएट करते निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग अपना एंट्री नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेते तो हमारा एसएल बड़ा हो जाता और हम एसएल बड़ा नहीं रखते हैं, छोटा एसएल के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं और यही एक इम्पॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, कितने छोटे से एसएल आप देते हैं, मार्केट से देते हैं तो कितना देते हैं, लेते हैं तो कितना लेते हैं। तो हम लोगों ने देखिए 13 पॉइंट का एसएल दिया और 125 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट लिया, तो आप लोग बताइए कितना रिस्क रिवार्ड था हम लोगों का। और ये देखिए निकाल भी दिया, ठीक है, बात करते करते मैं कह रहा था ना यहाँ पर निकालने के लिए तैयार है, ये देखिए ये निकाल चुका है। अब यहाँ से ट्रैप क्रिएट कर सकता है मार्केट और साइडवेज भी हो सकता है, ओके। तो इसकी बात यहाँ पर नहीं करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर आज के ट्रेड की। तो पहला ट्रेड जो हम लोग का था यहाँ पर मिस हो चुका था, ठीक है। मिस होने के बाद आप देखेंगे कि हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड ट्रेड के लिए, अपना सेकेंड से जो आपका सेटअप जब बनता है तो वहाँ पर वेट करना पड़ जाता है। तो हम लोगों ने वेट किया और यहाँ पर हम लोगों ने अपना आई थिंक, ठीक है, यहाँ कहीं के आसपास सेगमेंट में देख ही लेता हूँ कहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ओके। तो हम लोगों ने ट्रेड लिया था अराउंड यहाँ पर 11 बजे और इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर कर देता हूँ तो यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ट्रेड लिया था, ओके। अब यहीं पर ट्रेड क्यों लिया गया, इसका एक रीज़न यहाँ पर क्या था कि मार्केट जब इतना ऊपर ऐसे आ जाता है ना तो रिट्रेसमेंट करने 50 पॉइंट का, जो आप हम लोगों को पता है 50 पॉइंट तक मार्केट जाता है रिट्रेसमेंट लेने, तो वहाँ पर नहीं जाता है, ठीक है, वहाँ से वो पहले ही घूम जाता है, ओके।
देखिए यहाँ पर मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे फिबोक लगाने के बाद भी मार्केट यहाँ तक नहीं आया, ऊपर से ही घूम गया। तो ये क्या होता है, जब मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग में रहता है तो वो अपना रिटेसन पूरा कंप्लीट नहीं करता है, वो पहले ही वहाँ से घूम जाता है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट किया कि एक बड़ी कैंडल क्रिएट होनी चाहिए, एक रेड कैंडल, जैसे एक यहाँ पर देखिए रेड कैंडल हुई और ये जो ग्रीन कैंडल हुई ये बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, बस यही हमारी एंट्री का पॉइंट था और हम लोगों ने ऐसे ही यहाँ पर एंट्री लिया। ठीक है, तो सिंपल से स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम लोगों ने इसको फॉलो की। और अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में भी देखिए यहाँ से हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, मैं तो ऑप्शन में ही लगा के यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। देखिए ऑप्शन यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर बड़ी कैंडल क्रिएट हो गई रेड की, वो ग्रीन वाली। ठीक है, बस यहाँ पर एंट्री और ये हमारा टारगेट, टारगेट भी देखेंगे डिसाइड हुआ था हमारा प्रीवियस जो मार्केट यहाँ पर आया था उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट अपना ले लिया, तो यहाँ पर टारगेट भी आपको पता चल गया किस तरीके से हमने लिया। और आपको एसएल देख के हैरानी हो रही होगी, कितना छोटा सा एसएल और इतना बेहतरीन टारगेट। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, प्रीवियस में भी हम लोगों ने ऐसे ही ट्रेड किया है, छोटा एसएल बड़ा टारगेट के साथ। ओके, सो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ऐसे ही ट्रेड मिलता रहेगा। जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं सिर्फ वही देता हूँ, फालतू ट्रेड नहीं देता हूँ, कोई मैं एनालिसिस नहीं करके भेजता कि एनालिसिस करके भेजूँ आप लोग ट्रेड करो, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं सिर्फ वही ट्रेड यहाँ पर देता हूँ टेलीग्राम पर भी अपने। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, आज आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।